क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम गुप्ता। जो सतका टाइगर के पास एक आपकी मोबाइल की दुकान है और कपड़े की भी है, घटना क्या हुई? ये तीसरी बार की घटना है और कोई इसकी सुनवाई नहीं होती है। पहली घटना घटी थी तब ये पड़ोसी की 14 डंडे नशेनी शब्बर निकला था और प्लस यहाँ पर ऊपर छत पर बैठ के दारू वगैरह पीते खाते पीते हैं, हमें ये मालूम नहीं है। इनसे हम दो एक बेर कहा तो एक आध बार इन्होंने एक मेहनत से अपने पौए वगैरह बटरवा के फेंकवा दिए। दोबारा में गिरे तब उन्होंने से कहा कि कोई नहीं आता बैठता, लेकिन फायदा ये है कि ये अब ऊपर बैठते हैं और इधर देखते हैं, हमें ये नहीं मालूम है। ये तीसरी बार चोरी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे कब तक ये सहते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे? हमारे बच्चे खुद इतना स्पष्ट हैं कि हम क्या करें। एक बताइए, प्रशासन सुनता नहीं है। दोनों बार की चोरी हो गई, कोई सुनवाई नहीं है। तीसरी बार की चोरी हो गई, कोई सुनवाई नहीं है। हम जाते चूतिया से भटक के चलाते, हम ये कहते थे नाम बताओ, हम किसका नाम बता दो, तुम ही नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम सबसे चौथ वसूली लेते हो, और मतलब एक बात होता तुम्हें सब मालूम होने के बावजूद भी और तुम नहीं इस बात को वो कर पाते, खुलासे कर पाते। तो जिसकी चोरी हुई है तो हमें मालूम हो तो मुझे पकड़ न लाएं घर। ये तो पुलिस का काम है, गवर्नमेंट क्यों तनख्वाह दे रही है? तनख्वाह इसी बात की देती है कि कम से कम एक सहूलियत, किसी की चोरी हो रही है उसकी आस पास के कौन से क्षेत्र के कौन कौन आदमी हैं, कैसे हैं, उनके पास सब लिस्ट होती है। वो पकड़ के नहीं ला सकते हैं, उनसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं, उनसे मत वो नहीं कर सकते। तो दुकानदार कब तक ये झेलता रहे? और जो दुकानदार तो फिर दुकान बेच के भाग के भाग जाएगा, क्या करे दुकानदार? है कोई सुनवाई नहीं होगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो कोई बच्चा अतपत हो गया तो क्या होगा उस पैसे का? आई समझ में। और एक हम कभी भी गए हैं थाने में, हाँ देख रहे हैं, और कोई आता नहीं है। एक बार आए बस उसी समय देख के और चले गए, फिर नहीं आते हैं कोई। और अब जो घटना घटी है इसके बाद पुलिस के पास आते हैं? ये केवल उसी दिन आई है दोबारा, कोई पुलिस वाला आया नहीं, ना पूछ बताई किया क्या क्या हो गया, कोई पता लगा? या हमसे ये पूछने भी नहीं आया कि साहब हम जा रहे हैं, दोबारा कोई पूछने नहीं आया, उसी दिन आए थे बस। तहरी दी थी लेकिन उन्होंने मतलब वो नहीं किया, ना साइन किया, बोला कि हम तो चौकी पे यहाँ पे ये ले लेंगे और मतलब अपनी गुमशुदी जिसने आज लिखा है उस हिसाब से कर रहे हो आप। हमने कहा मैं रिसीव करके दे दो, बोला कि थाने चले जाओ, थाने होगी, हमारे पास कुछ नहीं होता है, ये है वो है, हमें दुनिया भर की बातें बता देते और मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रही है। चौकी इंचार्ज ने कहा था कोला रोड सतका चौकी जी उत्तर थाने की इंचार्ज साहब ने कहा था, हम बुलवा के और तहरी ले ली, लेकिन ना साइन किए, ना मोहर लगवाई है, ना कोई आगे व्यवस्था बताई है उन्होंने। तो जो मोबाइल चोरी करके ले गए उसमें कुछ मोबाइल चालू भी हो गए हैं? हाँ, एक मोबाइल चालू हुआ है उसमें, एक चल भी रहा है मोबाइल। हाँ चल रहा है, पर उसकी लोकेशन अभी मालूम नहीं है, लोकेशन मालूम पड़ने के बाद मालूम पड़ेगी किसके पास है।